Indian investors are very matured. Indian investors are smart. So they will, you cannot fool Indian investors twice. If Hindenburg has the audacity to think that Indians can be fooled once again, not a single Indian, Mr. Hindenburg, believes in you or is going to be rattled by you. Hindenburg hidden agenda of Pordafas. Bharatiya share bazar ko dekhi assays to short seller. Nua report jariyare share bazar gati rokibaku prayas. Fail marila Hindenburg ro jojana bodhar ranniti. Hindenburg report of bhaya madhyare kholithiba market nijara kheti bharana re sakshyam hoichi. Sensex 250 point badhichi. Separi Nifty tara purva sthiti ko phiriba sa 24350 point re pahunchichi. Business kari mid ebam small cap index re bhala abhivruddhi dekhibaku milichi. विशेषज्ञों मतलब भारतीय शेयर मार्केट रो गति को देखि हताश आमेरिका शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग तार नुआ रिपोर्ट प्रकाश करिछि। आदानी हिंडनबर्ग मामला रे सेबी रो कारण दर्शा नोटिस परे हिंडनबर्ग विद्वेष भावना सो ए रिपोर्ट प्रकाश करतिबा कहिछंती विशेषज्ञ। यू आर नथिंग बट अ शेडी ऑपर्चुनिस्टिक शॉर्ट सेलर हु लाइक्स टू प्रॉफिट ऑफ समबडी एल्सस लॉस एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड लास्ट टाइम। यू अ शेडी short seller who has absolutely no credit even in the United States profited off Adani's loss, profited off Indian stock market's loss last time. And if you think Indians are going to buy your absolute rubbish again, then you have another thought coming. So SEBI has given so-called notice to Hindenburg for allegation violations in India, but instead of replying to this Soko's notice, Hindenburg is diversifying tactics and they've done second part of allegations. But people and investors at large understands that this is a conspiracy. There is no point inside the SEBI's Hindenburg's allegations. 200 point ki gap down se khula hai, wo koi badi baat nahi hai. To mujhe nahi lag raha hai ki uski koi impact hai, ek allegation hai. ऐसे पास्ट में भी ये कोई रिसर्च कंपनी ने कुछ किए थे जो द कोर्ट ऑफ लॉ डिडंट स्टैंड। शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च रा नुआ रिपोर्ट केवल भारतीय शेयर बाजार रे अस्थिरता सृष्टि करबा को उद्दिष्ट बोली कहिसंती वरिष्ठ आईएनजीबी महेश जेठमालानी। से कहिसंती अदानी ग्रुप विरोध रे एतरे कोनोसी नुआ अभिजोग नाही। एतर उद्देश्यमूलक भाबे सेबी मुख्य को टारगेट करा जाइछि। सेपर पूर्व केन्द्रमंत्री राजीव शेखर कहिसंती एही रिपोर्टर उद्देश्य भारतीय मार्केट रेगुलेटर को बदनाम करबा, शेयर बाजार रे अराजकता सृष्टि करबा सो एहा को धीमा करबा। ये जो पुराने जो फैक्ट्स थे, पुराने जो इल्जाम थे अदानी ग्रुप के खिलाफ, वो फिर से दोहराए हैं अदानी ग्रुप के खिलाफ। और कुछ नई बात इस रिपोर्ट में है ही नहीं। सिर्फ इस समय इस टाइम क्या किया है कि उनको सेबी ने जो जवाब पूछे थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, सेबी ने कुछ पूछे थे सवाल हिंडनबर्ग को, उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बावजूद उन्होंने क्या किया, उन्होंने इल्जाम लगाए अभी सेबी के चेयरपर्सन के खिलाफ, मिसेस बुश के खिलाफ। यानी अब वो परिस्थितियां तथ्य के ऊपर नहीं जाना चाहते, अब वो सिर्फ किसी का नाम बदनाम कर, किसी का रेपुटेशन को डैमेज करना। इस मौके पर मिसेस बुच को उनका वही गेम है। देशर प्रमुख अर्थनैतिक विशेषज्ञों मत में भारतीय शेयर मार्केट अस्थिरता सृष्टि करने उद्देश्य नुआ रिपोर्ट प्रकाश कर शॉर्ट सेलर, जहाँफल शॉर्ट सेलिंग जरिया कोटि कोटि टंकार लाभ कमाई पार। भारत में द्रुत गति में विकसित अर्थव्यवस्था को धीमा करने को हिंडनबर्ग षड्यंत्र अर्थनैतिक विशेषज्ञ। हिंडनबर्ग अभियोग को नहीं अदानी ग्रुप स्पष्टीकरण में कही शॉर्ट सेलर निजर लाभ पर मिथ्या और दुर्भावनापूर्ण अभियोग आनी जो अभियोग को मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट खारज कर सारी। हिंडनबर्ग से पुराना अभियोग पुनः प्रक्रियाकरण कर अदानी ग्रुप ए समस्त अभियोग पूर्वर जांच सरी सब अभियोग आधारहीन प्रमाणित हो सारी। कंपानी ओवरसीज होल्डिंग स्ट्रक्चर प्रभावशाली रही। हिंडनबर्ग ए सबू तथ्य एवं नियमर अपव्यवहार करुवा अभियोग आनी अदानी ग्रुप।
सेबी मुख्य माधवी बुच हिंडेनबर्ग अभियोग को अस्वीकार करछंती। रिपोर्ट तांकर चरित्र मलिन करने उद्देश्य से कहते शुणु पूरा घटनाक्रम 2023 जानुरी में अदानी ग्रुप विरोध में सेयार मानुपुलेसन अभियोग आनी हिंडेनबर्ग शॉर्ट सेलिंग जरिया कोटी कोटी टंकार लाभ कमाई हिंडेनबर्ग सेबी द्वारा जांच में कौन प्रमाण मिलना ना सुप्रीम कोर्ट अदानी ग्रुप को क्लीन चिट देते अनफेयर ट्रेड प्राक्टिस अभियोग में मार्केट रेगुलेटर सेबी गत जून 27 तारीख में हिंडेनबर्ग एवं पीएफआई मार्क किंगडन एवं नाथन आंडरसन को कारण दर्शाओ नोटिस जारी करथिला। यापर नोटिस जवाब देवा बदल में हिंडेनबर्ग सेबी विरोध में कोटक महिंद्रा को सुरक्षा देवार आरोप लगता वर्तमान सेबी मुख्य को टार्गेट कर हिंडेनबर्ग। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।